देखिए भैया, बिहार में जो है सरकार बदल गई है, अब आ गई है सरकार आरजेडी और जेडीयू की। ऐसे में तेजस्वी जी ने एक वादा किया था कि 10 लाख जो है नौकरी युवाओं को दिया जाएगा। सरकार बनते ही जब 15 अगस्त को नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जो है घोषणा कर दी कि 10 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार भी 10 लाख को देने का प्रयास जो है करेंगे। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि भोजपुरी वाले चैनल पे हम ये क्या बोल रहे हैं। दरअसल भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जो है सुपरस्टार ट्रेंडिंग मशीन, जिसको कहा जाता है, नाम आप सब लोग समझ गए होंगे, खेसारी लाल यादव। उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया है बिहार सरकार को, जिस सुझाव का अगर समर्थन बाकी कलाकार करें तो ये संभव है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। क्या उन्होंने मांग किया है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि आउटडोर में आके वीडियो शूट कर रहे हैं, मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी है कि हर एक अपडेट आप तक पहुंचा सके। तो भैया, अपडेट अभी का ये है कि एक जो है पोस्ट आया है, पोस्ट में साफ तौर पे ये जो है सरकार से मांग किया गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ज़्यादातर फिल्में जो उत्तर प्रदेश में शूट होती है, वो अगर बिहार सरकार चाहे तो यहाँ शूट हो सकती है, जिससे रोजगार जो है को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है भोजपुरी फिल्मों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है, तो सब्सिडी के लिए उत्तर प्रदेश जाना होता है फिल्म शूटिंग करने के लिए। उसमें राज्य सरकार की कुछ कुछ जो है अपनी शर्तें होती है, उस शर्त को मान के, जैसे कि वहाँ के कुछ कलाकारों को रखना है, फिल्मों का इतना हिस्सा जो है वहाँ शूट करना है। ऐसे में अगर बिहार सरकार भी, जो कि नई नई सरकार बनी है, ये अगर चाहे तो सब्सिडी दे के भोजपुरी में इंडस्ट्री को और जो है बढ़ा सकती है और जो है यहाँ रोजगार सृजन हो सकता है। इसको लेके सुपरस्टार ट्रेंडिंग मशीन खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट आपको जो है हम दिखाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर बिहार में फिल्म उद्योग को दूरदर्शी नियोजन नीति के साथ स्थापित किया जाए तो अवश्य ही आदरणीय नीतीश कुमार जी और यादव तेजस्वी जी के नेतृत्व में 20 लाख रोजगार देने का जो संकल्प है, 20 लाख रोजगार देने की जो कोशिश है, वो साकार हो सकती है। तो आप स्क्रीन पे भी वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी देख रहे होंगे। दरअसल ये ट्वीट करके जो है खेसारी लाल यादव ने सरकार से एक तरह से ये मांग की है कि बंद कर दिया जाए और फिल्म इंडस्ट्री को जो है बढ़ाया जाए भोजपुरी को। ऐसे में जो एक तरफ जहाँ खेसारी लाल यादव जो है बाकी इस इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनसे अलग थलग दिखते हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि बाकी जो कलाकार हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इनका समर्थन करते हैं या नहीं। हालांकि मेरा ये निजी राय ये है कि बाकी भी कलाकारों को समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा मांग है, इससे भोजपुरी का भला हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी हित में ये वीडियो है। अगर सभी कलाकार जो है शेयर करने लगे, मदद करने लगे, अपना अपना जो है इस पर प्रतिक्रिया देने लग गए और सरकार से वो लोग भी टैग करके मांग करने लग गए, तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी जो है आगे बढ़ेगी और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। बाकी धन्यवाद रहेगा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, और जिस तरह से भोजपुरी की पहचान बिहार से है और ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग बिहार से बाहर होती है, ये विडंबना है और इस चीज़ को ठीक करना चाहिए या नहीं। शुक्रिया।